हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हिमायरा हमारे पास आ चुकी है गुड मॉर्निंग कहने के लिए, और भी जस्ट फ्रेशन अप हुई हूँ मैं तो ब्रेकफास्ट की, और ऐसे तैयारी करती हूँ ब्रेकफास्ट में तो क्या लूँगी आज, आज से दूध पीना चालू करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं दूध नहीं पी थी। जूजू आप भी पियोगे? गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग, गुड गुड। ये क्या है? घोट है? नहीं ओ चिपचिप। तो अभी खा रही है ये कोको, इसलिए इसके हाथ चिपचिप है, इसके हाथ धुलाती हूँ मैं। अज्जू अज्जू अभी मैं कर रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज मैं ले रही हूँ कॉफ़ी, बाकी कुछ भी नहीं ले रही हूँ। थोड़ी कॉफ़ी पी लेती हूँ तो एनर्जी आ जाएगी, और साथ में कॉफ़ी के साथ देखूँगी टीवी थोड़ी देर, और फिर लंच तैयार करूँगी और फिर जाऊँगी शॉप पे। आज को और हम दोनों ही हैं तो कुछ हल्का फुल्का ही बना दूँगी, ज़्यादा कुछ। मैंने लंच बना दिया है और आज पहली बार मुझे लंच बनाने में पूरे 45 मिनट्स लगे हैं। यानी जब ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है तब तो टाइम लगता ही है, पर आज तो मुझे बहुत कम खाना बनाना था, जैसे कि चिकोर मेरे दोनों का बनाना था, और उसमें भी मैंने बनाई है चरके यानी तीखे पराठे और साथ में पापड़, क्योंकि मेरे में आज इतनी शक्ति नहीं है कि मैं। और अभी चिकू को फ़ोन करती हूँ, चिकू आ जाएंगे खाना खाने के लिए, फिर खाना खा के फिर चलूँगी शॉप पे। यहाँ पर सारा ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, ये भी थोड़ा बहुत मेरा ऑनलाइन जो भी मैंने परचेजिंग की थी वो सामान सारा आ गया है। किस बात की? खाने के साथ यश की बातें हो रही है, साथ में इसका कॉल भी चालू है और बातें भी हो रही है, और अभी खाना खा रहे हैं हम। स्कूल से आ गई है और पहली बार हिया स्कूल ड्रेस में दिख रही होगी आपको, सामने देखो ना। यश आ चुका है पर काला क्यों दिख रहा है? रुक, हाँ अब सही दिखेगा, नहीं अब होगा सही। तो यश आ चुका है और यश का करना है आज मिनी फेशियल, क्योंकि प्री वेडिंग से भाई साहब आए टैंड होके, तो डिटैंड करते हैं इनको और शादी के फेशियल्स चालू हो गए, पर बीच में ब्रेक्स भी बहुत हो रहे हैं, तो लेट्स गो अंदर चलते हैं और फेशियल स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं यश को करने वाली हूँ फेशियल, और फेशियल मैं करूँगी आज मिशेल का, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टैंड हो चुका है, ये गया था प्री वेडिंग में तो प्री वेडिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा टैन हो चुका है, तो टैन अभी हो जाएगी इसकी रिमूव, जिससे हम फिर जो फेशियल करें इससे। फेशियल देख सकते हो स्टिंग ब्राइट। यश तो जा चुका है, अभी हेयर स्पा हो रहा है, तो हेयर स्पा आपको पहले मैं प्री कंडीशन दिखा देती हूँ बालों की, जो भी कुछ इस टाइप की है। अभी 8 बज गई है और मैं अभी जस्ट फ्री हुई हूँ सलून से, और अभी मैं जाऊंगी घर पर, और घर पे जाके अब हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं कर रही हूँ अभी मेरा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में कल हम शाम को लेके आए थे ब्राउन ब्रेड, तो ये ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ, और कॉफ़ी थोड़ी सी दिनों के बाद मैंने स्टार्ट की है, क्योंकि मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स है वो मेरे को डॉक्टर ने मना बोल रखे थे, पर कल से मैंने कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया है, और कॉफ़ी लिए प्लेन दूध नहीं ले रही हूँ, क्योंकि प्लेन दूध से हो सकता है मुझे उससे मेरा थोड़ा जी घबराता है, ये सब चीज़ें रहती है, और इसलिए मैंने बंद कर दिए थे डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि। तो फ्रेंड्स लंच बन चुका है और चिकू पीछे बैठे बैठे लंच कर रहे हैं, और ये सारा जो भी खाना है वो मैं लगा देती हूँ डाइनिंग टेबल पर, ताकि सब कुछ जल्दी से ले सकूं। आज खाने में बनाई है मसूर की खट्टा वाली दाल, राइस एंड पापड़ी एंड जूस, तो ये सब चीज़ें बनाई हैं, तो अभी डाइनिंग पे रख देती हूँ और साथ ही साथ में मेरा लंच भी कर देती हूँ, तो लंच करके फिर जाना है शॉप पे। तो अभी 1 बज रही है, लंच करके मैं जाती हूँ अब शॉप पे। ये हमारी एंटॉक तैयार हो रही है गर्मी में हमारे साथ जाने के लिए, और कल चिकू के बालों में गया था हेयर ऑयल का सलून पे वॉश करने, चिकू के हेयर वॉश करने हैं, तो शैम्पू और टॉवल ले लेते हैं और बैग को रख देते हैं यहीं पर। कड़िए कंधे पर डाल दीजिए,
और चिकू का भी रिसेंटली किया था हमने स्मूथनिंग, तो एक्सटेंस होके शैम्पू से ही इनके हेयर वॉश करते हैं। क्लाइंट सर, वो क्लाइंट सर आपको पकड़ना पड़ेगा कैमरा। साल बाद में गोटा खा रही हूँ जो कि ये कोमल लेके आई है। पार्लर पे काम करवाने आई थी पर गोटा लेके आई है साथ में, यानी ऐसे हमारे कस्टमर है। पटारी पटारी कम पैसे लेके तो अभी ये गोटा खा रहे हैं ऑरेंज फ्लेवर का लेके, ये बताने भी नहीं वाली थी पर भी पता हो कि नहीं हो यूं करके, पर मस्त है वो। अभी बज रही है 8:48 और मैं जस्ट आई हूँ शॉप से, और घर पे आने के बाद देखा तो करेले की पकौड़ी बन रही है। करेले अच्छी नहीं, कड़वी भी नहीं लग रही, कड़वी तो अलग लगी एकदम। वीडियो देखी थी गाय? अच्छा यूट्यूब से खाना बनाया जा रहा है घर पर, मम्मी भी ऑनलाइन हो गई है। अब आटा बनते एक तरफ। यार सही में मम्मी मस्त लग रही है। हां अच्छी लग रही है, पापा तो रहने दो यूं कर रहे थे करेले, मैंने कहा कर दूं मैं भी, होएंगे हम खा गया कितना मस्त लग रहा है। कैंसल जाना, कौन से जा रहे थे? होटल जा रहे, होटल जा रहे कर रहे हो झूठे। हम कल गए थे शाम को आइसक्रीम लेने के लिए, उसी के साथ लेके आए थे ये पानी पूरी, तो अभी चीज को चेक कर रहे पानी पूरी कैसी बनती है। आप लोग कहीं कहीं से करेले बनाए हो, करेले बिना प्याज के या प्याज वाले? ये पानी पूरी बना दी है और कल परसों तक प्रॉपरली बनाएंगे पानी पूरी। कंची की सी देखनी, अच्छी क्रंची। वाव गरम है, अच्छा फोड़ के ही खा लीजिए ना, पर एक तरफ मोटा रहता है एक तरफ पतला रहता है। नहीं सही है, आलू बनाओ तपड़ना नहीं चाहिए। लॉकडाउन में हमने पानी पूरी बनाई थी, पूरे 6 घंटे लगे थे पानी पूरी बनाते बनाते। सुबह 4 बजे से, दोपहर में 4 बजे से चालू की थी, रात को 9 बज गई थी। मेरे को ये ज़्यादा सही लगा, पानी पूरी खानी है ये ले आओ। सब कुछ अंदर तैयार है, सिर्फ आलू का मसाला बनाना है। 2-3 दिन में प्लान करके फिर बनाएंगे। 3 दिन नहीं, 4 दिन बाद। अरे यहाँ पर करेले की सब्जी बन रही है जो कि यूट्यूब से रेसिपी देख के बनाई जा रही है। प्याज को मैंने थोड़ा सा पकाया है, प्याज को मैंने अनि पूरी आलू है नहीं टमाटर मैंने बोतल दे बोतल दे टमाटर कितनी आती है अंदर 50 से करती है अच्छा भी कर दिया कितनी 60 रुपए की है पचास पीस अपने आप पर उलटती पुलटती। और मैं यहाँ पर खा रही हूँ पॉपकॉर्न जो कि चिकू ने मसाला बना के रखा था, तो 2-3 दिन से वो पड़ 2-3 दिन क्या ज़्यादा दिन हो गए पड़े हुए थे, तो मम्मी ने इनको बना दिया है। वे भी बनेगी यहाँ भी बनेगी सब्जी, देखा हम भी फेमस आ गए। कश्मीरी मिर्ची ना के आवाज़ भी पते वो आया। ये हमारा खाना, सब्जी इतनी टेस्टी बनी है कि रोटी पूरी कढ़ाई से चाट के लेके आई हूँ, और अभी चाट चाट के खाएंगे। चिकू ने खाई, चिकू बताओ कैसी लगी? आप करेले की सब्जी कभी भी नहीं खाते हो? कभी भी नहीं खाते, तो मम्मी ने बनाई यूट्यूब पे देख के, पता नहीं था ऐसी बनेगी। वो बहुत ज़बरदस्त की टेस्टी बनी है, मैंने अभी तक सुना है, मैं खाती हूँ।
पर टेस्टी बनी होगी। हालांकि मम्मी जो भी बनाते हैं अच्छा ही बनाते हैं। प्याज कच्ची लग रही है ना, वो हाँ अच्छा भून के निकालती थी ना पहले, अच्छा इसलिए। तो ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा लजीज दिखने में बनी है और टेस्टी भी बनी है। अब मम्मी से रेसिपी लेके एक दिन और मैं बनाऊँगी। अब मैं आपको ये सब्जी टेस्ट करके भी बताती हूँ। मेरा तो फर्स्ट एकदम जेन्युइन रिएक्शन रहेगा, है ना। ये करेला कोटेड बेसन का, फैंटास्टिक, इतनी ज़्यादा यम लग रही है, यानी सच में लग रहा है होटल की सब्जी भी फेल है इसके सामने। अभी मेरे को पनीर भुर्जी भी फेल लग रही है, पनीर भुर्जी भी फेल लग रही है, बहुत टेस्टी बनी है। और एक जगह हमको इसलिए कम मिल रही है खाने, और एक एक फ्लेवर इतना ज़्यादा टेस्टी आ रहा है। करेला इतना टेस्टी हो सकता है, अनबिलीवेबल। नहीं करेला अच्छा लगता, मुझे तो अच्छा लगता है, पर चिकू को कभी पसंद नहीं है। चिकू ने पहली बार खाया इतने मन से। मुझे पसंद था, बीच में अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने। चिकू के हर दो महीने में टेस्ट चेंज हो जाता है। तो अब उनको देरी ना करते हुए यहाँ बैठने देते हैं और हम खा लेते हैं। अभी जस्ट किया है मैंने डिनर, और आप लोगों के मैंने अभी कमेंट पढ़े खाना खाते खाते, जिसमें कि आपने मुझे पूछा है कि सेंसिटिव स्किन के लिए आप कुछ बताइए, और ऑयली स्किन के लिए बताओ, और समर्स के अकॉर्डिंग स्किन केयर बताओ। एक तो हालांकि एक दो व्लॉग्स में मैंने बता रखा है, पर सेंसिटिव स्किन के लिए मिशेल बहुत ही अच्छा एक स्किन केयर है। क्योंकि मैं अभी हालांकि मैंने विटामिन बी ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का यूज़ कर रही हूँ मैं अभी, क्योंकि मुझे एक्नेस का इशू हुआ, तो मैंने सोचा कि कुछ चेंज करूं। पर इससे पहले मैं मिशेल का यूज़ कर रही थी, और मिशेल के रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, और एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, और एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट है। आप मेरे यानी मुझसे अगर ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे शॉप का जो नंबर है वो दे दूँगी। ऑयली स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर स्किन थोड़ी कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, सेंसिटिव है साथ में, तो भी बहुत अच्छा वर्क करेगा, और साथ ही साथ आपके फेस को एकदम प्योरीफाइंग करेगा, उसके ऊपर जो दाग धब्बे हैं वो भी हटाएगा। और इसका फेस वॉश तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक मैम ने मुझे पूछा है कि ऑयली स्किन के लिए कुछ अच्छा रिकमेंड करो फेस वॉश, तो ऑयली स्किन के लिए मिशेल बहुत अच्छा है समर्स के अकॉर्डिंग। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, और परचेज करना हो तो मैं नंबर दे दूँगी। और आपको अगर प्रोडक्ट बाय करना हो तो होम डिलीवरी भी हो जाएगी। और मैं यहीं पर कर देती हूँ साथ ही व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।